माय गॉड कितना ले लिया मैं। फिर से मैंने लिया है ये एल्फ्स गुडनेस का और एक सीरम और पता नहीं क्या होगा पर मैं ले लिया बहुत सारा। उसके बाद मैंने लिया है ये फेसेस कनाडा का ये काजल और इसका प्राइस है 179। आई होप ये अच्छा होगा, देखते हैं जब मैं यूज़ करूँगी तब बताऊँगी। और उसके लिए वीडियो देखना ज़रूरी है क्योंकि कौन सी वीडियो में मैं कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और उसकी रिव्यू भी मैं वहीं पे दूंगी, तो वीडियो देखना ज़रूरी है। और वीडियो देखने के लिए जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन है उसको हिट करके छोटू सा जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ज़रूरी है, जिससे मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए और जिससे आप लोग देख सकें मेरी हर एक वीडियो। और इसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी की लिक्विड कंसीलर और ओ माय गॉड सच बताओ तो अगर आप बिगिनर्स हैं और आप कंसीलर लेना चाहते हैं और लिक्विड में लेना चाहते हैं तो आंख बंद कीजिए और जाके ले लीजिए स्विस ब्यूटी की कंसीलर, क्योंकि ये मुझे लगता है इसकी जो प्राइस रेंज है उसमें बेस्ट है, बेस्ट मतलब इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। मैं इतना ज़्यादा इसकी प्यार में गिर चुकी हूँ, अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोग भी गिर जाएंगे श्योर। मेरे पास पहले जो शेड था वो था सैंड सेबल जो थोड़ा सा हाइलाइटिंग शेड था, तो इस बार मैं मेरी जो स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंगली लिया है और ये है 04 मीडियम बेज और ये मेरी स्किन की अकॉर्डिंगली एकदम मैच है। अब थोड़ा सा लीजिए और मैजिक देखिए इसका, एकदम मैजिकली ये ब्लेंड हो जाती है और कवरेज धांसू देती है धांसू। तो आंख बंद कीजिए और जाके ले लीजिए। इसके बाद अब ये क्या है, ओके ये NYB की लिक्विड कंसीलर है। मैंने बहुत सारे लिक्विड कंसीलर ले लिया और इसमें मेरा जो शेड है वो है 03 और ये भी मेरी एकदम स्किन टोन की अकॉर्डिंगली है। और सबसे ज़्यादा मुझे इसमें पसंद आया है इसकी जो स्पैचुला है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे 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 होती है जिससे आपकी प्रोडक्ट जब आप लगाते हैं ना तो बहुत अच्छे से लग भी जाता है। उसके बाद मैं और भी चार कंसीलर ले लिया, फ़िलहाल अभी मुझे एक नहीं मिल रहा है। एक है मेबलिन एज डिवाइन, तो सच बताओ तो सबसे एक्सपेंसिव यही था 660 और इसका जो शेड है अनफॉर्चुनेटली मेरी स्किन टोन से बहुत ज़्यादा लाइट है, ये सैंड है और मेरी बहुत ज़्यादा हाइलाइटिंग शेड है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइलाइटिंग है, बहुत ज़्यादा वाइट है। कैन यू सी, मैं थोड़ा सा दुखी हूँ पर क्या करें। तो अगर आप लोग ये लेना चाहते हो थोड़ा सा शेड देख के लेना, मेरे साथ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है पर मैं इसको हाइलाइटिंग शेड की अकॉर्डिंगली यूज़ करूँगी। और उसके बाद है डार्लिंग इसबेला और ये जो शेड है ये भी लाइट है। एक्चुअली जब आप ऑनलाइन में देखते हो ना तो आपको समझ नहीं आता है कि कौन सी शेड, मतलब वहाँ पे जो पिक्चर्स होती है और रियल में थोड़ा सा डिफरेंट होती है। तो इसका जो शेड है यहाँ पे, ओके ये 01 है। आई थिंक मुझे थोड़ा सा डार्क लेना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम मैं देख लूँगी। और इसके बाद ये है वेट एंड वाइल्ड का और इसमें मेरा जो शेड है वो है लाइट आइवरी और आप लोग देखिए ये भी मेरे स्किन टोन से ज़्यादा ही लाइट है, एकदम वाइटिश है पर जब फाउंडेशन के साथ मिक्स हो जाएगा तो तब शायद थोड़ा सा कम बन जाएगा। तो ये गया 3 कंसीलर और एक है जो अभी मुझे नहीं मिल रहा है, आई रियली डोंट नो कहाँ गुम हो गई, ओके मिल गई। तो उसके बाद मैंने लिया ये फिट मी कंसीलर, मेरे जो शेड है वो 25 मीडियम है। ये जो शेड है ये मेरी स्किन टोन के हिसाब से एकदम मस्त है, मस्त एकदम मस्त है। तो ये 475 रिटेल करता है पर मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट में मिल गया था शायद। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एक अच्छा कंसीलर ले तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग स्विस ब्यूटी का ट्राई करें और उसके बाद तो फिट मी वेट एंड वाइल्ड है ही। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 4 फाउंडेशन, बहुत पॉपुलर फाउंडेशन है। फर्स्ट
ये स्टेक वर्क की फाउंडेशन है और इसकी जो शेड है एकदम धांसू है मेरे स्किन टोन के हिसाब से। यहाँ पे मेरा जो शेड है वो है सैंड वन। ये थोड़ा सा आप शेक कर लीजिए, जैसे मैंने अभी शेक नहीं किया तो ये थोड़ा सा रनी है। और इसका जो कवरेज है वो डिसेंट कवरेज है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई कवरेज है, पर डिसेंट कवरेज है। अगर आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ओके, तो इसकी जो प्राइस है ये रिटेल करता है 165, पर डिस्काउंट में ऑफकोर्स मिल जाएगा अगर ऑनलाइन से बाई करें तो। उसके बाद है लैक्मी, मेरा शेड है 02। ये मेरे पास था पर वो ख़त्म हो गया था तो मैंने ये ले लिया और इसका प्राइस 280 है। उसके बाद मैंने लिया है ये सुपर स्टे 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन मेबलिन की, और यहाँ पे मैंने शेड लिया है 128 वार्म न्यूड। जो फिट मी में मेरा ये शेड था वो मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है, पर वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, पर मैंने इसको 128 ही लिया क्योंकि मुझे पता है कि ये लिटिल बिट ऑक्सीडाइज होता है। तो जब ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो, और जब मैं कॉम्पैक्ट से इसको सेट कर लूँगी तब ये कलर एकदम मैच हो जाएगा। अभी मेरा जो हैंड है वो देखिए कितना डिफरेंस है दोनों में। तो ये, और इसका जो प्राइस है वो 750 है, पर मुझे डिस्काउंट में मिल गया था 600 समथिंग। उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूँ ये वेट एंड वाइल्ड का, और इसका जो रिव्यू है ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था तो मैंने ये ले लिया। तो इसमें मेरा जो शेड है वो है गोल्डन बेज, जो मेरी स्किन के अकॉर्डिंगली एकदम धांसू है, धांसू परफेक्ट है, ब्लेंडिंग जस्ट ऑसम। तो इसका जो प्राइस है वो 599, पर ये आपको 400 में भी मिल जाएगा जब डिस्काउंट की टाइम चल रहा है तब, जब सेल चल रहा है तब। डिस्काउंट की टाइम क्या होता है, कुछ भी। उसके बाद मैंने लिया है ये वेला वोस का ये कॉम्पैक्ट, और इसका प्राइस है 149। मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ 2023। पैकेजिंग कुछ ऐसा है, डिसेंट पैकेजिंग है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है, और एक बहुत अच्छा सा मिरर दे रहा है। इसका शेड भी एकदम परफेक्टली मैच है मेरे स्किन टोन के हिसाब से, और इसमें मेरा जो शेड है वो है C004 आई थिंक। एक अच्छा कॉम्पैक्ट है, थोड़ा सा जो फिट मी की जो कवरेज देता है ना ये उतना ज़्यादा कवरेज नहीं देता है, पर ठीक है, ठीक ठाक है। इतने कम प्राइस में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है ये दो टोनर, एक है तुलसी और एक है ग्रीन टी। ये इसका प्राइस है 145, और मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ 2022। और इसकी जो स्मेल है इतना रिफ्रेशिंग स्मेल है ना, मैं बता नहीं सकती, और इसका तो और भी अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ही सुंदर है। उसके बाद मैंने लिया है ये NYBA की प्राइमर, ये फेस प्राइमर है, इसको छोड़ के और भी 2-3 प्राइमर है वो बाद में ले लेंगे, और ये भी एक सिलिकन बेस्ड प्राइमर है, पर ये थोड़ा सा ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे जेली जेली टाइप की है, और बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, जब आप यूज़ करेंगे ना तो फेस पे सच में एक बहुत अच्छे से एक बैरिकेड क्रिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैंने लिया था ये ब्लू हेवन का मस्कारा, ये 45 रुपीज़ का है, जो मैंने अभी अप्लाई किया। सच बताऊँ तो ये वो वॉल्यूम वैसा कुछ कुछ नहीं देता है, पर वो थोड़ा सा कोड होता है ना वैसे करता है, मतलब उतना अच्छा नहीं और उतना बुरा भी नहीं। ओके, उसके बाद मैंने लिया है और एक मस्कारा, ये हाइपर कर्ल है, ब्लैक और पिंक बॉटल है, इसका प्राइस है 310। मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया, इसकी जो ये एप्लीकेटर है ये थोड़ा सा ऐसे वेवी है, आई होप कि ये सच में
हाइपर कर्ल कर ले मेरे आईलैश को, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी तो आई होप कि ये अच्छा वर्क करे। उसके बाद मैं दो इल्यूमिनेटिंग प्राइमर लिया, ये है वेट एंड वाइल्ड का ड्यूई बेस टिंट और मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती, नहीं थोड़ा सा दिखाई देती हूँ। ये क्रीमी फॉर्म में है, ये थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस है, यहाँ पे आपको 25 ml प्रोडक्ट मिलता है और इसका जो प्राइस है वो है 599। पर अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना तो इसके प्यार में, फिर से प्यार में, इसका एक अलग शाइन है जो कैमरा में, मेरे इस घटिया कैमरे में नहीं आ रहे, नहीं नहीं मेरा कैमरा, मेरा फ़ोन बहुत ही एक ड्यूवी टिंट दे रहे हैं जिसके अंदर थोड़ा सा गोल्डन शाइन है। इसका एक मैट वर्जन भी है अगर आप चाहते हैं कि मैट, मतलब अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं और मैट फाउंडेशन सब कुछ मैट मैट पसंद करते हैं तो इसका जो मैट वर्जन है वो भी आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग ड्राई स्किन वाले हैं तो इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा प्राइसी है पर यूज़ करेंगे तो आप लोग सेटिस्फाइड हो, इतना कह सकती हूँ। उसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर और ये रियल मेकअप बेस है। मेरा जो शेड है वो है 01 नेचुरल टिंट, आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद दिस प्रोडक्ट। ये ऐसे ग्लास बॉटल में आता है और ऐसे वाइटिश कलर में आपको मिलेगा, पर कैन यू सी द डिफरेंस, ये कितना ग्लोई कर देगा आप लोगों की स्किन को, मतलब इतना अच्छा मॉइस्चराइज हाइड्रेटिंग और एकदम मतलब धमाका वाला है ये, धमाका वाला। मुझे ये लेना था तो मैंने ले लिया एंड आई एम सुपर हैप्पी कि मैंने इसको परचेस कर लिया। अगर आप थोड़ा सा वो शाइनी शाइनी वाला लुक देना चाहते, थोड़ा सा ग्लोई वाला लुक चाहते तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। और इसका जो प्राइस है ये है 349 और यहाँ पे आपको 30 ml प्रोडक्ट मिलता है जो काफ़ी है, इनफ है इनफ। उसके बाद मैंने विलावोस का दो लिक्विड लिपस्टिक ऑर्डर किया, तो ये और इसका जो शेड है ये है 10, इसका है 10, हाँ इसका जो शेड नंबर है वो है 10 और ये एक ब्यूटीफुल कलर है। मैंने जितनी बार इसको स्वच्छ किया मेरे हाथों पे ना, उतने बार ये उतरता ही नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल से मुझे इसको उतरना पड़ता है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे ये रिटेल करता है 299 पर आपको ऑनलाइन में डिस्काउंट, मतलब पर्पल पे इसका डिस्काउंट चलता ही रहता है, आपको बहुत कम में मिल जाएगा। और उसके बाद मैंने इसका ही और एक शेड लिया है, ये है 04 और ये थोड़ा सा न्यूड शेड में है, थोड़ा सा वार्म न्यूड शेड में है। मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कब मैं इस लिपस्टिक को अप्लाई करूँ। ये वाली शेड बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। अगर आप लेना चाहते हैं ना एक अफोर्डेबल अच्छा वाला लिपस्टिक तो ट्राई कर सकते हैं। मैं जब मेकअप करती हूँ सबसे पसंदीदा चीज़ एक नहीं दो होती है, एक है लिपस्टिक, सेकेंड इज़ हाइलाइटर। एंड मेरे पास मेरी ड्रीम वाली दो हाइलाइटर आ चुकी है, ये है मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर और मेरा जो शेड है वो है मोल्टन रोज गोल्ड। एंड लुक एट दिस गाइस, सच में मैं इसको थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करना चाहती, मेरी सपनों की हाइलाइटर है, एकदम क्रीमी टेक्सचर है, मतलब एक अलग सा फील आता है और एक सटल सा ग्लो देता है जो बहुत ही खूबसूरत है। कैन यू सी, वाओ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और इसके बाद है ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर और ये है प्रेशियस पेटल, तो यहाँ पे दिखा दूँ, कैन यू सी द ग्लो, आई जस्ट लव इट। थोड़ा सा टाइट है पता नहीं क्यों, ओह माय गॉड,
वाओ, आई जस्ट लव इट, लव इट, लव इट। ये है दो हाइलाइटर, और भी बहुत सारा लेना है, पता नहीं कब लूँगी। तो मेरा ये जो डिब्बा है ये अभी खाली है, मैं इसको ऐसे ऐसे करके उछाल सकती हूँ, जो पहले मैं नहीं कर सकती थी। मैंने इसके बाद लिया है कुछ आई शेडो पैलेट, जो ड्रीम पैलेट होती है हर गर्ल्स की, जो मैं भी बहुत दिन से लेने की चाहत में थी, और वो मैं सक्सेसफुली ले चुकी हूँ। सो ये है ब्यूटी ग्लेस का कलर बोर्ड पैलेट। लुक एट दिस, दिस इज ग्रीन, this is orangish red, this is blue, and this is purple. I can't say anything about this product just because of this is heaven for every girls, क्योंकि इसमें आपको सारे colors मिल रहे हैं, मतलब सारे कलर्स। यहाँ पे आपको 3 ग्लिटर प्रेस्ड ग्लिटर शेड मिल रहा है, और यहाँ पे ये सारे जो है ये शिमरी शेड है, और ये सारे मैट है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा न्यूट्रल शेड भी मिल रहा है बेस के लिए, ट्रांजिशन कलर के लिए। और इसका स्वच्छ, लुक एट दिस 3 ब्यूटीफुल शेड। और ये मैंने परचेज किया है पर्पल से, इसका प्राइस 1999 होगा, या थोड़ा सा कम में मिल गया था, मुझे एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है। इसका जो मैट शेड है, लुक एट दिस पिगमेंटेशन गाइस, मेरे हाथ में फाउंडेशन है इसलिए वाओ, जस्ट वाओ। और जो ग्लिटर शेड है, वाओ, कैन यू सी द पिगमेंटेशन गाइज, आई जस्ट लव 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 दिस पैलेट। मतलब मैं कह नहीं सकती कि ये मुझे कितना पसंद आया। ये है ग्रीन वाले का, यहाँ पे 2 ग्लिटर शेड मिल रहा है, एक है ये एक ब्रॉन्जी कलर, और ये एक रेड। ओके, तो मैं इसका कलर ले रही हूँ, इसका और ये ब्राउन का। वन स्वच, जस्ट ऑसम। इसके बाद ये ब्लू वाला, और लुक एट दिस ग्लिटर शेड गाइज, दिस 3 ब्यूटिफुल शेड। उसके बाद आते हैं ये पर्पल शेड के ओर, और यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल शेड भी है, तो मैं यहाँ से ये पर्पल ग्लिटर ले रही हूँ, ये वाले शेड पिक कर रही हूँ, और ये लेती हूँ। मैं इसको सोचा नहीं था कि मैं इसको स्वच करूँगी, मैंने सोचा था मैं इसका स्वचेज नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं इसको वेस्ट ही नहीं करना चाहती हूँ। ओके, मेरे कैमरा में अच्छे से आ रहे हैं या नहीं मुझे पता नहीं, पर दे आर जस्ट बॉम, जस्ट बॉम। ये अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट है और कुछ ऐसा लेना चाहते हो तो जाके ये बाय कर लीजिए। हाँ, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड, ऐसे जो C3 वर्ल्ड है वैसा वर्ल्ड है ये, एक आई शेडो का वर्ल्ड, जहाँ पे आपको ढेर सारे कलर्स मिल रहा है। जो कलर्स के साथ प्ले करना पसंद करते हैं उसके लिए ये एकदम धांसू वाले ऑप्शन है, तो जाके आप लोग ले सकते हैं ये। उसके बाद मैं और भी सुंदर सुंदर आई शेडो पैलेट दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने परचेस किया है काफन लैशेस से, जो निधि कटियार की एक खुद की वेबसाइट है, जो बहुत ही सुंदर एक वेबसाइट है, अगर आप लोग चेकआउट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर लीजिए। तो उसके बाद मैंने लिया है ये रिवर्सल पैलेट, ये भी ब्यूटी ग्लेस का है, और इसकी प्राइस 1499, मतलब ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर ये भी हेवन है। इसका नाम रिवर्सल है तो ये रिवर्सल ही है, मतलब यहाँ से खुलता है। और लुक एट दिस,
कलर्स, बहुत ही सुंदर है। मैं इसको ना मतलब टच ही नहीं करना चाहती हूँ। और इसकी कुछ कलर्स है जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पे न्यूट्रल है, थोड़ा सा डार्क कलर भी है, जैसे ये पर्पल ब्लू, ये ग्लिटर शेड्स और न्यूट्रल कलर्स भी है। तो मैं कुछ डार्क शेड पिक कर रही हूँ और ये ब्लू आ रहे कैमरे में और यहाँ पे। उसके बाद मैं ये ब्लैक कलर दिखा देती हूँ। दिस इज ऑसम, पर मेरे फाउंडेशन के ऊपर अच्छे से प्लेस नहीं हूँ, अच्छे से नहीं आ रहे, मेरे फाउंडेशन है पूरे हाथ में इसलिए। तो ये रहा रिवर्सल पैलेट। यहाँ पे एक पिंक कलर है, एकदम लाइट पिंक। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पैलेट को यूज़ करने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये एसेफर कलर की प्रेस्ड पिगमेंटेड पैलेट, और इसके बैक साइड में इसके सारे इंग्रेडिएंट्स सब कुछ है, और अंदर से कुछ ऐसा है। और इसके साथ एक बहुत अच्छी क्वालिटी का एक मिरर दिया गया है, और ये भी स्वर्ग है, स्वर्ग। लुक एट दिस कलर्स गाइस, ये 880 और 850 का है ये प्रेज ग्लिटर, बहुत खूबसूरत है। इसमें से मैं ये येलो, ये पिंक, ये ब्लू और ये ग्रीन, एकदम वो गुलाल वाली फीलिंग आ रही है। ओ माय गॉड, दिस इज एकदम वो है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए। इसके जो ग्लिटर्स है उसमें कुछ ग्लिटर्स के अंदर चांद तारे हैं और एक बार वो ग्लिटर्स भी कर लेती हूँ। माय गॉड, इतना सॉफ्ट है ना। ये चांद तारे वाले ले लिए, ये ब्लू वाले ले लिए, ग्रीन वाले ले लिए और पर्पल वाले भी ले लिए। ओके, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको बहुत सारे कलर चाहिए और एक ही पैलेट में चाहिए, तो ये डेफिनेटली ले लीजिए, क्योंकि इसमें सारे कलर्स है गाइस, सारे मतलब ब्राइट से लेके न्यूट्रल सारे कलर्स है, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे पिगमेंटेड है, मतलब एकदम धांसू है धांसू। थर्ड पैलेट इज माय ड्रीम पैलेट, और एक ड्रीम पैलेट, और वो है आई मैजिक प्रो प्रोफेशनल कॉस्मेटिक्स ब्यूटी ग्लिटर पैलेट। ये यहाँ पे मैग्नेट है, एंड लुक एट दिस, आई एम जस्ट स्पीचलेस। ये 900 की है, अगर ये आपने ले लिया तो सोचिए कि आपके पास पूरा जहान आ गया। और ये इतना सॉफ्ट है ना, इसको मतलब स्वच्छ करने की मन नहीं करे मेरा। ओके, और बहुत अच्छे से स्टिक हो जाती है, बहुत ही जल्दी से स्टिक हो जाती है। बहुत अच्छा पैलेट है, बहुत अच्छा पैलेट है। थैंक यू निधि, थैंक यू कफल लैशेज कि मुझे इतना अच्छा अच्छा पैलेट देने के लिए। फ्री में नहीं है, मैंने पैसा दिया है, फिर भी थैंक यू सो मच। और इसकी जो पैकेजिंग है ना, जस्ट देखिए, ये गोल्डन शाइन में है। और नेक्स्ट जो पैलेट है, किधर गई, वो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, और ये है स्विस ब्यूटी की मूज आई शेडो पैलेट। और ये इतना सुंदर है कि मैंने इसको टच भी नहीं किया। इसके साथ एक ऐसा एप्लीकेटर मिलता है जो मुझे लगता है कोई काम का नहीं है, पर तो मैं थोड़ा सा लेती हूँ कलर, ये ऑरेंज वाला। इतना सुंदर है गाइस, ये ग्रीन वाला एंड ये ब्लू वाला। ओह, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और इसका प्राइस
ज़्यादा नहीं है, मुझे याद नहीं है पर ज़्यादा भी नहीं है। तो ये था मेरा लास्ट प्रोडक्ट, ये पूरे जो बॉक्सेस है इसमें, और कुछ मैं नहीं मिस कर रही हूँ ना, नहीं। तो ये है मेरा सारा प्रोडक्ट्स जो मैंने 2020 में बाय किया और आया है 2021 में। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। पता नहीं ये वीडियो कब जाएगी, अगर 2 महीने बाद जाए तो 2 महीने बाद हैप्पी न्यू ईयर। और थैंक यू आप लोगों को कि आप लोग प्यार दे रहे हैं, इसलिए मैं ये सब खरीदने की ज़रूरत कर रही हूँ कि हाँ आप लोगों को पसंद आएगी। मैं इस सबसे बहुत अच्छे अच्छे मेकअप वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, वीडियो नहीं वीडियोस लेके आऊँगी, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोगों की अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट यूज़फुल हो तो एक थम्स अप दे दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी को ये सारी इन्फॉर्मेशन देना है कि कौन सी आई शेडो कैसे है, कौन सी प्राइमर कैसे है, कौन से कंसलर कैसे है, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि इन सारे प्रोडक्ट्स में से आपके फेवरेट कौन है और कौन सी प्रोडक्ट आपके पास है जो आप यूज़ कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए इन सब केस में, ओके। सबसे पहले वो कीजिए क्योंकि वही ऐसी एक जरिया है जिससे आप लोग आ सकते हैं मेरे फैमिली में और देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़, और उसके लिए पैसा नहीं लगता है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ, जिससे आप लोग देख सकते हैं मेरे वीडियो सबसे पहले। तो मेरी बकबक ख़त्म, मेरी वीडियोज़ ख़त्म। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।